संभागीय परिवहन विभाग ने चारधाम यात्रा को लेकर अपनी तैयारियां पुख्ता करना शुरू कर दी। आरटीओ शैलेश तिवारी ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्गों पर इस बार चेक पोस्ट बनाए जाएंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि यात्रा मार्गों पर चलने वाले वाहन तय मानकों को पूरा करते हैं या नहीं। साथ ही इस बार कॉमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड भी अनिवार्य कर दिया गया। इसके साथ ही सर्वनाम इसके साथ ही कॉमर्शियल वाहनों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी ट्रिप कार्ड बनाना जरूरी है। आगामी चार धाम यात्रा को लेकर के तैयारियां ऑलमोस्ट पूरी हो गई हैं। हम लोग हमारा जो मेन रूट होता है परिवहन विभाग का वो होता है कि ये जो यात्रा में गाड़ियों की व्यवस्था का होता है तो गाड़ियां हमारी जो हरिद्वार से और ऋषिकेश से रोटेशन के माध्यम से चलती हैं वो रोटेशन बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अभी हम उनसे बात भी कर रहे हैं जो ऑपरेटर्स होते हैं बसों के, टैक्सी मैक्सी वाले लोगों से भी बात हमारी हुई है। साथ ही साथ इसके लिए हमारे चेक पोस्ट बन रहे हैं ऋषिकेश में, जो भी चारधाम यात्रा के रूट हैं उसमें हम लोग चेक पोस्ट स्थापित कर रहे हैं। चेक पोस्ट में हम लोग उनके वाहनों को भी चेक करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट को भी चेक करते हैं हम लोग। साथ ही साथ जो ग्रीन कार्ड, जो भी कमर्शियल व्हीकल यात्रा पे जाती है उसके लिए ग्रीन कार्ड होना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बगैर वो गाड़ी आगे जा नहीं सकती। साथ ही साथ ग्रीन कार्ड के अलावा हमारे यहाँ ट्रिप कार्ड की भी व्यवस्था है। कमर्शियल व्हीकल के जो यात्री हैं उनको हर एक ट्रिप के लिए अलग से ट्रिप कार्ड बनाना होता है जिसमें यात्री की सूची होती है।